हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इस वीडियो में जा रहे हैं कुछ खाने, वो तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे हम कहाँ जाएं। तो काफ़ी ज़्यादा बहस के बाद हमने डिसाइड कर ही लिया कि व्हाई नॉट वी शुड गो टू चाइना टाउन एंड जेड कैफ़े। ओ, इनका नेम है जेड कैफ़े एंड चाइना टाउन। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ कि ये एक ही ओनर है जेड कैफ़े एंड चाइना टाउन के, और जैसे कि आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं एक ही इनका बोर्ड है जिसके ऊपर चाइना टाउन एंड जेड कैफ़े भी है। इनकी डिफरेंट एंट्रेसेस हैं एंड हमने काफ़ी देर बहस के बाद डिसाइड किया बिकॉज़ वी वर वेरी कंफ्यूज कि हम कहाँ जाएं, जेड कैफ़े जाएं या चाइना टाउन जाएं, जेड कैफ़े जाएं या चाइना टाउन जाएं। एंड देन वी फाइनली डिसाइडेड कहाँ जाना है और वो हमने डिसाइड किया जेड कैफ़े जाने का। तो हमें एंटर होके ये पता चला कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। एज़ यू कैन सी इन द वीडियो, बहुत रश था एंड हम लोग तो परेशान ही हो गए कि हमें टेबल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। जो टेबल खाली भी थे वो रिज़र्व थे, तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। एंड देन काफ़ी देर ढूंढने के बाद हमें एक टेबल मिल ही गया। एंड हम लोग, मैं मेंशन करती चलूँ, हम लोग जो गए थे वो हम MM आलम ब्रांच में गए थे। फाइनली हमें टेबल मिल गया तो हमने वेटर साहब को बुलाया और उन्होंने कहा हमें मेन्यू कार्ड ला दें, तो वो हमारा मेन्यू कार्ड लेने चले गए। और हम अगर यहाँ की एम्बियंस की बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी एम्बियंस बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी जगह है, फैमिली ओरिएंटेड है। एंड हमारा मेन्यू कार्ड आ गया एंड इसमें आप देख सकते हैं इसके यहाँ बहुत वास्ट वैरायटी, इनके सैलड्स हैं, एपिटाइजर्स हैं, मेन कोर्स में इनके पास आपको हर टाइप की वैरायटी अवेलेबल मिलेगी, जो कि चिकन में भी है, बीफ में भी है, स्टेक्स में भी है, साइड्स भी हैं इनकी एंड बर्गर्स भी हैं, सैंडविचेस भी हैं, पिज़्ज़ास भी हैं इनके एंड सी फूड भी अवेलेबल है। जिन लोगों को सी फूड पसंद है वो सी फूड भी खा सकते हैं। एंड ड्रिंक्स भी हैं इनकी, स्मूदीज भी हैं, डिज़र्ट्स भी हैं, सारा कुछ काइंड ऑफ के कह लें कि हर चीज़ इनके पास अवेलेबल है। आप कोई ऐसा नहीं हुआ कि होगा कि कोई जाए और उसको कोई अपनी पसंद की चीज़ ना मिले, आपको यकीनन मिल जाएगी। एंड फाइनली 15 मिनट्स वेट के बाद हमारा खाना सर्व हो गया और इनकी टाइमिंग भी, सर्विंग टाइम भी इतना बुरा नहीं था। ऑल दो यहाँ पर बहुत रश था लेकिन फिर भी हमारा खाना बहुत जल्दी सर्व हो गया था। तो हमने खाने में ऑर्डर किया था स्टफ़ चिकन विद नेपोलियन सॉस, जो कि आप देख सकते हैं लुक वाइज इट वाज वेरी गुड एंड टेस्ट वाइज इट वाज आल्सो डिलीशियस, डेफिनेटली रिकमेंडेड। एंड हमने ऑर्डर किया था ग्रिल चिकन विद सॉस, इनकी ग्रिल चिकन की बारबेक्यू सॉस थी विद राइस सर्व हुए थे। एंड हमने स्टफ़ चिकन ऑर्डर किया था विद वाइट सॉस, ये हमने टू ऑर्डर किए थे। तो अगर हम इनके टेस्ट की बात करते चलें तो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस, दिस वाज वेरी डिलीशियस और मैं इसको रिकमेंड करती हूँ, आप लोग ज़रूर जाएँ और टेस्ट करें। एंड हमने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया था। एक जो बात थी कि कुछ लोग का रेस्टोरेंट्स का पिज़्ज़ा अच्छा नहीं होता क्योंकि वो पिज़्ज़ा स्पेशलिटी नहीं होती उनकी, लेकिन यहाँ का पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी था। डेफिनेटली रिकमेंड दिस, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं हमें तो बहुत पसंद आई, उनका टेस्ट बहुत मज़े का था एंड आई डेफिनेटली रिकमेंडेड। खाना खाने के बाद क्योंकि मीठा ज़रूरी होता है तो हमें भूख लग गई, तो हमने लोटस चीज़ केक ऑर्डर किया एंड अगेन इट वॉज ऑल्सो डिलीशियस। एंड फिर हमारा बिल आ गया जो कि था 8,988 रुपीज़, ऑलमोस्ट 9,000। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई और जगह विजिट करूँ और उसका रिव्यू दूँ तो वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।